आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जादू से हिफाजत का बहुत ही मुजरब नुस्खा शेयर कर रही हूँ। इस नुस्खे को आप लोग फॉलो करके जादू से हिफाजत कर सकते हैं अपनी, अपने बच्चों की या किसी भी फैमिली मेंबर की। इसमें आप लोगों को जो भी स्टेप्स बताए जाएंगे आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। नंबर वन पे है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करें। इसमें आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नंबर दो पे है सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ना है आपको। उसके बाद आप लोगों को चारों कुल पढ़ने हैं 3-3 मरतबा। चारों कुल में 4 सूरतें आ जाती हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास और सूरतुल काफिरून। 3-3 मरतबा पढ़ लें हर सूरत को। उसके बाद चौथे नंबर पे है आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद नंबर 5 पे ये आयत है, इसे आप लोगों को 9 मरतबा पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम, इसे आप लोग 9 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 6 पे अब आपको ये आयत पढ़ना है जो कि कुरान पाक की है, सूरह तौबा की आयत है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिततुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहू अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत को आप लोग 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद नंबर 7 पे आप लोगों को एक और आयत पढ़ना है, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। यह सूरत यासीन की आयत है, इसे आप लोग 7 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट स्टेप है नंबर 8 पे 11 मरतबा फिर से आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। वही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप लोग दुरूद इब्राहिमी, इसके अलावा भी आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जो आपको आसान लगे। इससे आप लोग पढ़ने के बाद अपने बदन पर और अपने बच्चों के बदन पर दम कर लीजिए और पानी पर भी दम करके पी लीजिए या पिला दीजिए। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या दुआओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।